भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह। लेकिन अब सचिव जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। ये खबर बिल्कुल अब पक्की हो चुकी है कि जय शाह जल्द नामांकन दायर करेंगे और आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कोई भारतीय आईसीसी चेयरमैन बन रहा हो। 3 से 4 लोग हैं जो आईसीसी के चेयरमैन ऑलरेडी बन चुके हैं। 2000 के आसपास ये कारवां शुरू हुआ था और 2018 तक चला था। अब जय शाह जब चेयरमैन बनने वाले हैं तो फिर बीसीसीआई सेक्रेटरी की पोस्ट खाली हो जाएगी, क्योंकि अभी 1 साल बचा हुआ था जय शाह के पास। तो अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने का जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुका है और रोहन जेटली नए सचिव बन सकते हैं बीसीसीआई के। जी हाँ, रोहन जेटली अरुण जेटली के बेटे हैं और अरुण जेटली का भाजपा से काफ़ी अच्छा संबंध था। और अब जब रोहन जेटली बनने वाले हैं सचिव, तो उनको लेकर जब बात की गई बोर्ड मेंबर से जो बीसीसीआई के हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर और जो 14 मेंबर हैं, सभी की आम सहमति बन चुकी है। वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब रोहन जेटली की अगर बात की जाए तो रोहन जेटली DDCA यानी कि दिल्ली क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार। इनकी मौजूदगी में 2 बार DPL यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन भी कराया जा चुका है। तो अनुभव है रोहन जेटली के पास। अब ऐसे में रोहन जेटली पहुंचने वाले हैं बीसीसीआई के सचिव की जगह पर, यानी कि अब वो बीसीसीआई सेक्रेटरी बन सकते हैं और जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हुए नजर आने वाले हैं। ये लगभग तय हो चुका है। ऐसे में कई जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि इस अभी जय शाह के बाद रोहन जेटली को क्यों बनाया जा रहा है, तो रोहन जेटली के पास अनुभव है। वो पहले भी चीज़ों को मॉनिटर कर चुके हैं, एक बड़े पद पर रह चुके हैं और ये सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस होती है। लोग अगर अपोज करते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो रोहन जेटली यहाँ पर आपको बीसीसीआई के सचिव बनते हुए नजर आने वाले हैं। ये खबर लगभग तय हो चुकी है और जय शाह आईसीसी के चेयरमैन। बीसीसीआई वैसे भी रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और अब जैसे में जय शाह जब बनेंगे आईसीसी के चेयरमैन तो देखने वाली बात होगी। पर ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे पहले डालमिया, शरद पवार समेत कई लोग हैं जो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। पहले आईसीसी प्रेसिडेंट कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर आईसीसी चेयरमैन हो गया है। आपको क्या लगी ये वीडियो, हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।